कानपुर में गोविंद नगर थाना क्षेत्र के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें, यहां युवक का शव पेड़ से लटका मिला। वहीं खबरों की माने तो युवक के प्रेम प्रसंग के चलते ये वारदात हुई। बताया जा रहा है कि युवक को प्रेमिका के पिता ने धमकी दी थी, वहीं उसी के बाद से युवक गायब चल रहा था। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यूपी के रायबरेली में कई संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा समाप्ति के डर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 एसोसिएशन के बैनर तले आउटसोर्स के माध्यम से डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, स्टाफ और नर्स सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सेवा समाप्ति का डर सताने लगा है, जिसके चलते उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया। वहीं अपने ज्ञापन में सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित और सेवा विस्तार किए जाने की मांग भी की है। रायबरेली के नारायणपुर गांव में उस समय सनसनी मच गई जब गांव में संचालित एक प्राथमिक विद्यालय के पास बोरे में एक महिला का शव बरामद हुआ। वहीं शव को देखकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मामले में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बोरे से निकलवाया और इसकी शिनाख्त कराई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। नारायणपुर हम सुबह आए थे, जो है तो चारागाह में काम लगा हुआ था। हम सुबह आए तो वहाँ ग्रामीण कुछ बैठे थे गाँववासी, तो उन्होंने हमको सूचना दिया कि भैया आपकी जो है उधर एक लॉस पड़ी हुई है। तो हमने कहा को बुला के लेके आए और देखे, यहाँ मौके पहुँचने कोतवाल साहब को तुरंत फोन मिला। किसकी लाश कैसे? ये महिला की लाश दिख रही है जो है, बाकी कितनी पुरानी होगी लाश ये? तकरीबन 10-15 दिन से खाली क्या होगी, क्योंकि शिनाख्त हो पाई क्या यहाँ की? ये जो है उसके हाथ में जो है उंगली में मीना या बिछा, उसी की वजह से जान पा रही है महिला की लाश। कोरोना महामारी में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और सरकार ने दोबारा इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगवाने की घोषणा की है। साथ ही इसके लिए सरकार ने जिला चिकित्सालय से लेकर गांव में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वैक्सीन की डोज पहुंचाई, लेकिन कुछ जिम्मेदारों के चलते ये वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बल्कि कूड़े के ढेर पर मिली, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। साथ ही मामले में जाँच भी शुरू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर पूरे मामले पर CSC अधीक्षक मनोज शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इसे गलत बताया। फिलहाल CSC अधीक्षक ने मामले में स्टॉक रजिस्टर चेक कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया से खबर लगने के बाद मैंने अपने स्तर से सारे डस्टबिन चेक करवाए थे, कहीं हमें कोई भी इस टाइप की वायल नहीं मिली। तो मतलब कहाँ की है, कैसी है, ये आगे जांच का विषय है। सारी टीमों को इस पर कहा गया है, किसी ने भी अभी तक हमें सूचना नहीं दी। यूपी के संबंध में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25-25 हज़ार के दो इनामी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों पर कई थानों में दर्जन भर मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। खबरों की माने तो आरोपियों ने 5 दिन पहले 2 लाख की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नकदी समेत अवैध असले भी बरामद किए हैं। जी सर, SBI से मैं 2 लाख रुपए निकाल के ला रहा था, रास्ते में इन्होंने पेट्रोल पंप के सामने हाथ में हल्के सिम धीमी कराने के बाद गाड़ी ले ली, जिसके उपरांत मैंने FIR कराई सर यहाँ पे थाने में, सर ने खुलासा। 8/12/2021 में राम निवास द्वारा अपने इसमें SBI बैंक में 2 लाख रुपए लेने के लिए गया, इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा रिकी करने के बाद वादी से 2 लाख रुपए लूटे गए। उसके उपरांत SP द्वारा टीम गठित करने के उपरांत टीम के द्वारा CCTV में द्वारा और मुखबर के द्वारा बदमाशों का आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद SP द्वारा 25-25 हज़ार के मुकदमे इनाम पंजीकृत कराया गया।